हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि एसएससी के जो एग्जाम्स पेंडिंग थे, कुछ एग्जाम ऐसे जिनकी नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर मंथ में आ चुकी थी 2022 के, और अगर बात करूं कुछ ऐसे एग्जाम जिसके फॉर्म अभी के टाइम पे आप लोगों के फिल हो रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के। एक एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है जो भी एग्जाम 2023 में आने वाले हैं उन सभी के लिए, और कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि अगले साल आप लोगों की आउट होगी। तो आप लोग एक बार यहां इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आप लोगों को हर एक एग्जाम के बारे में किसकी वैकेंसीज कब निकलनी है, उसका एग्जाम जो है कब होगा, वो सभी आपको यहां पे अपडेट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां आप लोग अपने स्टेट एसएससी या स्टेट एसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोग जो है उस सी सेट की तैयारी करें हैं जो कि आप लोगों का एग्जाम रहता है, आपके आपकी जो आईएएस का जो आपका यूपीएससी के एग्जाम रहता है, ठीक है, आप लोग जो जेकेपीएससी के एग्जाम देते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग के जो हमारा लाइव बैच है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस आप लोगों की 6 से 8 बजे शाम को हुआ करेगी 2nd of January 2023 से। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके क्लासेस जो है डेली अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप लोग बैंकिंग के एग्जाम दोगे, चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम दोगे, इन सभी एग्जाम के लिए भी आपके लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो आप लोगों ने आई होप कैलेंडर अभी तक देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वन बाय वन यहां पे हर एक चीज के बारे में सुन लेना। अब जैसे आप लोगों को पता है जो एग्जाम एसएससी के अभी होने वाले हैं आने वाले टाइम में, एक आपका जीडी का एग्जाम है जो कि आपका जनवरी और फरवरी मंथ में होगा 2023 में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप लोग देखो कि आज आप लोगों का 31st है, 2nd-5th तक की आप लोगों की लास्ट डेट है, मार्च 2023 में इसका एग्जाम होने वाला है आपका CHSL का। तो आप लोग इस एग्जाम की जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, प्लस आने वाले टाइम पे आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको हम लोग बोलते हैं आपका MTS का जो है एग्जाम, जो कि आपका MTS 2022 का जो एक साल पुराना आप लोगों का पेंडिंग एग्जाम है, वो आपका जनवरी और फरवरी के बीच में उसके फॉर्म फिल होंगे, और इस डेट पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, और अप्रैल मंथ में उसका जो है रिटर्न एग्जाम आप लोगों का कनेक्ट हो जाएगा, CBT 1 आप लोगों का कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां से जो आप लोगों के अदर एग्जाम्स हैं, जैसे हम यहां बात कर रहे हैं आपकी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन है, ठीक है, फेज 11 की, वो आप लोगों का फॉर्म फिल होगा 24th of February और मार्च के बीच में, और एग्जाम मई और जून मंथ में होगा उसका आपका टेक प्लेस। फिर जो दो बड़े एग्जाम हैं, जब हम लोग तीन बड़े एग्जाम की बात करें जो कि बच्चे ज्यादातर इसका इंतजार करते हैं, वो तीनों एग्जाम आपके हैं, एक तो आपको आपका यहां पे क्या है CGL, ठीक है, एक एग्जाम आप लोगों का यहां पे रहता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एक आपका यहाँ पे CHSL एग्जाम, और एक है यहाँ से आपका MTS एग्जाम। इन तीनों एग्जाम की 2023 के जो फॉर्म फिल है वो आप लोगों के 1st April से मई से जून, जून से जुलाई, ये इनके फॉर्म फिल का सिस्टम रहेगा, और एग्जाम जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त और सितंबर। तो आप लोग देखो एक साल में ये एग्जाम जो है तीन बार यहाँ पे दे सकते हो अगर आप लोग SSC के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, इनका जो एग्जाम है वो आपका जुलाई और अगस्त के बीच में फॉर्म फिल होगा, और अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम फिल आपका जो है एग्जाम कनेक्ट होगा। फिर आपका JEE सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का स्टेनोग्राफर का एग्जाम, और आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर जहां आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इनके एग्जाम आप लोगों के मेरे पास जो फॉर्म है वो रिस्पेक्टिव डेट पे आप लोगों के फिल हो जाएंगे। सो आप में से जो भी बच्चे इन एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं, जो भी हमारी स्टेट के बच्चे हैं, आप लोग इनको छोड़ के, स्टेट के एग्जाम्स को छोड़ के, थोड़ा फोकस जो है आप लोग वो अपना सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तरफ भी करो, ताकि आप लोग जो है सेंट्रल लेवल में कंपीट कर पाओ। और आप लोगों को पता है कि एग्जाम होते हैं कनेक्ट, रिजल्ट आता ही आता है इन सभी का, तो आप लोग इनकी भी तैयारी अच्छे से अपने साथ साथ कर सकते हैं। सो गाइज आपका 31st है, कल से आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोगों का जो नया साल हो वो अच्छा रहे, जो भी आपने इस साल में गलतियां की, जो आपकी कमियां रही, वो अगले साल आप लोग जो है उसको फुलफिल या उसको ओवरकम करने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।